हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। तो इसी जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कृत्रिम काय प्रवर्धन का सेकेंड टाइप दाब लगाना। दाब लगाना की एक विधि तीला दाब के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ ये चीज। कृत्रिम काय प्रवर्धन क्या? वो प्रवर्धन जिसमें कि मनुष्य की आवश्यकता हो, ह्यूमन बींग्स की सहायता से यदि कोई रिप्रोडक्शन प्रोसेस किया जाए और एक बहुत बड़े पैमाने पर किया जाए, तो इस प्रकार का प्रवर्धन क्या है? कृत्रिम काय प्रवर्धन कहलाता है। इसकी फर्स्ट विधि थी कर्तन यानी कटिंग। सेकेंड विधि है इसकी दाब लगाना, तीला दाब। इसकी एक विधि का प्रकार जिसे हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं वायु दाब या बुट्टी लगाने की। वायु दाब या बुट्टी लगाना क्या होता है? सबसे पहले इसके लिए कौन कौन सी मुख्य बातों की आवश्यकता है? देखिए, पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे इसका जो उत्पादन किया जाता है या इस प्रकार का प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है बहुत बड़े बड़े वृक्षों पर। उन वृक्षों पर जिनकी छाल जो होती है वो क्या होती है? बहुत मोटी होती है। जिनकी जो शाखाएं होती है वो बहुत मोटी होती है। जिनमें क्या किया जाता है, जिस भाग की शाखा मोटी है यानी जिसमें छाल की उपस्थिति है, क्या होता है बड़े बड़े वृक्ष में ब्राउन कलर की छाल की प्रेजेंस होती है, उस छाल को उसके एक भाग को, जैसे इस शाखा ली, इस शाखा में से एक भाग कोई भी एक भाग आपने डिसाइड कर लिया, उस भाग में से छाल को काट कर हटा दिया और क्या बना दिए? एक वलय के रूप में बना दिया। एक वलय बन गई। इस वलय के बनने के पश्चात इस वलय को हम या तो गीली मिट्टी से या गीली रूई से या हम कह सकते हैं मॉस के जो पादा पाते हैं जैसे स्फग्नम है, उससे इसे ढक लिया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? बुट्टी लगाना कहलाता है। इसको हम कहते हैं बुट्टी लगाना। अब इस पौधे के अंदर, इस पेड़ के वृक्ष की किसी ऊंची शाखा पर एक कोई भी पानी की स्रोत, जैसे हमने यहाँ पर किसको लगाया है, मटके को लगा दिया छोटे से को, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ये जल क्या करेगा? यहाँ से जल जो होगा वो किसी भी पाइप के द्वारा बूंद बूंद करके इस क्षेत्र तक, जो कौन सा बनाया हमने, बुट्टी लगाना वाला जो भाग बनाया है, वहाँ पर बूंद बूंद क्षेत्र तक पानी जाने देना चाहिए। कुछ समय पश्चात, लगभग हम कह सकते हैं 4 से 8 सप्ताह के पश्चात, या हम कह सकते हैं 1 से 2 महीने के पश्चात, जिस भाग से वो हमने ढका हुआ है उस भाग से क्या मिलेगी? छोटी छोटी जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती है। जब इस भाग में जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाए तो इसे क्या करना है? जो ये मेन पादप है, मेन जो पादप है आपका, उससे उस भाग को अलग करके अलग मिट्टी में यदि रोप दिया जाए तो वो भाग कुछ समय पश्चात, क्योंकि उसकी जड़ तो है, जड़ों की उपस्थिति हो गई, तो क्या होगा? उस समय पश्चात वो नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का जनन कहलाता है वायुदाब या बुट्टी लगाना। इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? नंबर फर्स्ट, देखिए, इसका प्रयोग बड़े वृक्षों में किया जाता है। पहली चीज यही है कि जो बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी चीज, इसमें शाखा के मोटे भाग या छाल को हटाकर किस रूप में हटा दिया जाता है? एक वलय का निर्माण, रिंग का निर्माण कर दिया जाता है। थर्ड चीज, उस भाग को हम किससे ढक देंगे? गीली रुई या मिट्टी से ढक देते हैं, गीली मिट्टी से। ये ढका हुआ भाग क्या कहलाता है आपका? गुट्टी कहलाता है। आपके में शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज आ सकती है कि गुट्टी लगाना क्या होता है या गुट्टी लगाना किस विधि पर आधारित है। तो हम आप आंसर क्या लगे? वायु दाब या दाब लगाना कृत्रिम काय प्रवर्धन की दाब लगाना का एक प्रकार वायु दाब या गुट्टी लगाना है, जिसमें छाल को वलय के रूप में हटाकर उसे गीली मिट्टी या रुई से ढक दिया जाता है। उसके पश्चात आपको क्या करना है? बुट्टी पर बूंद बूंद पानी दिया जाता है।
जब पानी जाएगा तो ये भाग कैसा रहेगा? नमी की उपस्थिति रहेगी, मॉइस्चर की प्रेजेंस रहेगी इस भाग पर, और जब ये भाग नम रहेगा तो इससे कुछ समय पश्चात छोटी छोटी जड़ें प्रवर्धित हो जाती हैं, और यही भाग होता है। यदि इसे अलग प्लांटेड कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो एक नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है। इसकी कुछ उदाहरण है, जैसे रबड़ का पौधा है, बहुत बड़ा होता है। कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे अजेला है, मैंगोलिया है, ये सब जो बड़े बड़े वृक्षों वाले पौधे हैं, उन सब के अंदर इस प्रकार की कृत्रिम काय प्रवर्धन की विधि को अपनाया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।